Hi there guys, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Legal Ocean, and today I'm going to learn you sections 15 to 20 of CPC for the Lord Cat series. So let's start. Section 15. What the section 15 says, court in which suit to be instituted. Kaun si court mein suit file kiya jayega? Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. गाइज फ्रॉम दिस सेक्शंस ओनली रिमेंबर 2 पॉइंट फॉर द लॉ कैट सीरीज के जो आपका मुकदमा है वो लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में फाइल होगा. इट मीन्स आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फाइल नहीं करेंगे, लोएस्ट ग्रेड से आप स्टार्ट लेंगे और वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होना ज़रूरी है. कॉम्पिटेंट मीन्स उसके पास टेरिटोरियल एंड पिक्यूनरी जुरिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है. नाउ कम टू दिस सेक्शन 16. सेक्शन 16 सेज suit to be instituted where subject matter situate. अगर इसमें पूरे सेक्शन को सम अप करूँ तो इसमें से चार क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपका सूट रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है या रेंट का है, प्रॉफिट का है, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, फोर क्लोजर का है, सेल का है, रिडक्शन का है, तो सूट वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है या वहाँ पर होगा जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुआ है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम इट्स प्रोवाइजो. प्रोवाइजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आपका सूट रिलेटेड है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग से आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, तो आपका सूट फाइल होगा जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है, जहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन पार्टली या होली अराइज हुआ था, या जहाँ पर आपका डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस कैरी करता है. डिफेंडेंट मतलब जवाबदेह पार्टी, जहाँ पर रहती है या वहाँ पर वो काम के सिलसिले में गई है, वहाँ पर आपका सूट फाइल होगा. एंड दैट्स इट. Now come to the section 17. Section 17 says suit for immovable property situated within jurisdiction of different court. Simply section 17 कह रहा है अगर एक से ज़्यादा court के पास jurisdiction होगा immovable disputed property को चलाने के लिए, तो आप किस court में file करेंगे. So the answer is suit may be instituted in any court within the local limit of those jurisdiction any portion of the property is situated. ये कह रहा है अगर उस disputed property का कोई भी हिस्सा, कोई भी part उस court की jurisdiction में आता है, तो वो court उस suit को चलाने के अहल होगी. Now come to the section 18. Place of institution of suit where local limit of jurisdiction of court are uncertain. Uncertain means unsure, doubtful. सेक्शन 18 सिंपली सेज कि अगर आपकी दो कोर्ट के दरमियान जुरिस्डिक्शन डाउटफुल है, ये पता नहीं चल रहा कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. बस जो अनसर्टेनिटी का ग्राउंड है वो जस्ट ग्राउंड रिकॉर्ड होता है, जो उसकी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा. और इसका जो प्रोवाइजो कह रहा है, अगर अनसर्टेनिटी का ऑब्जेक्शन अपीलांट या रिविजनल कोर्ट में आता है और ये स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड नहीं होती है, तो प्रोवाइजो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा बिफोर रिविजनल और अपीलांट कोर्ट. Now come to the section 19. Suit for compensation for wrong to person or movable. Actually section 19 relate to tort. Compensation for wrong to person or movable property. सेक्शन 19 कह रहा है अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ कोई डेफामेटरी मटेरियल छापता है, आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो. अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करता है, आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो. या जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस कैरी करता है, आप वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिव. नाउ कम टू द सेक्शन 20. अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस. Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of those jurisdiction, the defendant or each of the defendants where there are more than one. Section 20 कह रहा है
अगर पिछले सेक्शन से आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि सूट कहाँ पर फाइल किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो फिर सूट कहाँ पर फाइल किया जाए, अगर मैं इस पूरे सेक्शन को दोबारा समअप करती हूँ तो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ए ने बी और सी के खिलाफ सूट फाइल करना है तो ए सूट फाइल कर सकता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, या जिस शहर में बी रहता है उस शहर में, या जिस शहर में सी रहता है उस शहर में। फॉर एग्जांपल अगर ए सूट फाइल करता है जहाँ पर बी रहता है और सी को एतराज़ होता है कि ये ज्यूरिसडिक्शन तो मुझसे बहुत दूर पड़ती है, तो उसका ऑब्जेक्शन सुना जाएगा मगर इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ये एतराज़ नहीं सुनेगी तो उसी कोर्ट में वो सूट फाइल किया जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द आइकन बेल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग न्यू वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।